मैं अमिताभ जी को लाऊंगा। अमिताभ जी, एक जो बात कही जा रही है कि अमेरिका को भारत चाहिए, और वो इसलिए चाहिए क्योंकि चीन की जो सुप्रीमेसी है एशिया में, जिसको वो काउंटर करना चाहता है, उसके लिए भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब दे सकता है। गलवान में भारत ने ये प्रूव किया है, और इसीलिए भारत और अमेरिका की ये दोस्ती चीन को इसलिए भी पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो उसके लिए खतरा होगा। देखिए, ये तो सही है कि भारत को प्रॉप अप किया जा रहा है चीन के अगेंस्ट अमेरिका द्वारा, लेकिन भारत उससे कहीं ज़्यादा है। भारत एक मार्केट ही नहीं, भारत का इन्वेस्टमेंट अमेरिका जितना इन्वेस्ट इंडिया में नहीं करता है, उससे ज़्यादा इंडियंस अमेरिका में करते हैं। हमारे यहाँ 200 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में है। और अगर उस तरह की कोई स्थिति आएगी जिसमें अगर चीन और ताइवान की तनातनी बढ़ी, अमेरिका इन्वॉल्व होता है, तो भारत को इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भारत, मैं कहूँ, इस टाइप के ट्रैप में कभी नहीं फंसेगा क्योंकि भारत की अपनी मजबूरियां हैं, अपने स्ट्रेंथ हैं जिस पर वो बैंक करेगा। मतलब अभी आप देख रहे हैं क्वाड को बनाने की बात की जा रही थी कि एक सिक्योरिटी अलायंस की तरह बनेगा। भारत ने इसका विरोध किया, और भारत ने विरोध उस स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, लेकिन भारत की प्रायोरिटीज डिफरेंट है। भारत की प्रायोरिटी प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, और चाइना को हम अपने लेवल पे डील करेंगे। आपको याद होगा दिलीप सिंह करके एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के आए थे, उन्होंने कहा कि भारत को अगर चीन के साथ युद्ध करना पड़े तो वो किसका साथ लेगा। भारत में इस बात का पुरजोर विरोध हुआ कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे। भारत 1962 वाला भारत नहीं है, हम अपने बलबूते पर खड़े हैं बिना किसी इसके, और हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स। वेरी वेल विजिबल सर, वो सामने भी दिख रहा है।